दोस्तों, ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने ब्रह्म वैवर्त पुराण इस बुक का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। आज यहाँ से इस चैप्टर से सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, द्वितीय खंड। तो रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम को कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। तो द्वितीय खंड का फर्स्ट चैप्टर है। इस अध्याय में श्री कृष्ण पाद पद्म प्राप्ति के सोपन का वर्णन किया है। नारद देवर्षि ने कहा है, ब्राह्मण, आपके द्वारा वर्णित ब्रह्म खंड का मैंने श्रवण कर लिया है, जो कि अत्यंत मनोहर था। ये ब्रह्मा के मुख कमल से परम अद्भुत निकलकर आपके पास आया था। इसके अनंतर सुधा खंड से भी श्रेष्ठ प्रकृति खंड का श्रवण किया था, जो कि मैंने पढ़ लिया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके पश्चात अखंड जन्मों के खंडन करने वाला गणपति खंड का श्रवण किया था। ये सब इतना श्रवण करने के बाद भी मेरे मन की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई है। अभी भी कुछ विशेष श्रवण करने के लिए मेरा मन अत्यंत चंचल हो रहा है। श्री कृष्ण के जन्म का खंड मनुष्य के जन्म मरण आदि सब खंड का खंडन कर देने वाला है। ये संपूर्ण तत्वों को दिखा देने वाला प्रदीप है, कर्मों के नाश करने वाला तथा हरि की भक्ति के प्रदान करने वाला होता है। इस खंड के श्रवण से तुरंत ही वैराग्य की उत्पत्ति हो जाया करती है और यह इस संसार के राग को दूर करने वाला है। ये खंड मुक्ति के बीजों का कारण स्वरूप है तथा संसार रूपी सागर से पार कर देने वाला है। कर्मों के उपयोग के लिए होने वाले रोगों के खंडन करने में ये परम रसायन है और श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए सीढ़ी के समान कारण है। ये वैष्णवों का जीवन है और जगतों का परम पावन अर्थात पवित्र करने वाला है। आप इसे शरण में खंड प्राप्त हुए शिष्य मुझको विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। मतलब कृष्ण जन्म खंड के बारे में भगवान श्री कृष्ण से किसने प्रार्थना की थी कि वो इस महीतल पर या फिर महीतल में आए थे। वो एक ही ईश स्वयं परिपूर्णतम सर्वांश से होते हैं। ये किस युग में किस हेतु से कहां पर आविर्भूत हुए थे, इनका पिता वसुदेव कौन थे और इनकी माता देवकी कौन थी, इनका जन्म किस कुल में हुआ था, इन्होंने अपनी माया के द्वारा क्या सुविडम्बना की थी, ये श्री हरि किस रूप में समाख्यान हुए थे, ये सुतिका गृह से कंस राजा के भय से भीत होकर गोकुल चले गए थे, हे मुने, ये समझ में नहीं बैठता है कि भय के स्वामी को कीट के तुल्य कंस से कैसे और क्यों भय उत्पन्न हो गया था। इसके बारे में हमने हरिवंश पुराण, जो कि कृष्ण के जन्म से लेकर के सारी कहानी रियल में बताती है, वो बुक मैंने पढ़ लिया है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। हरि ने गोकुल में पहुंचकर एक गोपाल के वेश में रहते हुए क्या किया था, जगत के स्वामी ने गोपों की अंगनाओं के साथ कैसे विहार किया था, वे गोपांगनाएं तथा बालकों के रूप में रहने वाले गोपाल कौन कौन थे, यशोदा और नंद कौन थे और इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि इनके पुत्र रूप में श्री हरि हुए थे। हरि की परम प्रेयसी श्री राधा परम पुण्यवती देवी गोलोक धाम के निवास करने वाली थी, वो ब्रज में एक ब्रज कन्या क्यों हुई थी, इनका क्या कारण है। इन गोपियों ने दुराराध्य परम ईश्वर को कैसे प्राप्त किया था और फिर उन सब का त्याग करके वो मथुरा क्यों चले गए थे, भूमि का कौन सा भार उतार कर वे यहाँ से चले गए थे। हे महाभाग, इस पुण्य श्रवण और पुण्य कीर्तन को आप बताने की कृपा करें। ये श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है और इस संसार रूपी सागर के तारण करने में नौका के समान है। इसके सेवन से भोगों के कठिन बंधन से जो क्लेश होता है उसे काटने के लिए कैंची तुल्य है। ये हरि की कथा पाप रूपी ईंधन के जलाने में जलती हुई अग्नि की शिखा के समान है। जो पुरुष इसका श्रवण करने वाले हैं उनके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करने वाली है। ये श्रवण करने वाले लोगों के कानों के लिए अमृत के तुल्य सुंदर है और शोक के समुद्र नाश करने वाली मुक्ति है। हे कृपा के निधि, परम भक्त एवं शिष्य मुझे कृपा करके ज्ञान का
प्रदान की करी है। तपस्या, जय महादान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, वेद का पाठ, अनशन व्रत, देवों का अर्चन और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा से जो भी कुछ फल मनुष्य प्राप्त करता है वो ज्ञान के ध्यान की सुलभी कला के समान नहीं हो सकता है। मुझे मेरे पूज्य पिताजी ने आपके समीप में ज्ञान का आदान करने के लिए भेजा है। सुधा के सागर को प्राप्त करके कौन ऐसा है जो उसका पान करने की इच्छा नहीं करता है, अर्थात कोई भी नहीं होता। नारायण ने कहा, मैंने आपको अच्छी तरह से जान लिया है, आप धन्य हैं और मूर्तिमान पुण्य के समूह हैं। इस कुल पावन आप तो समस्त लोकों को पावन करने के लिए ही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। मनुष्य के हृदय की पहचान उनके वचनों के द्वारा तुरंत ही सुव्यक्त हो जाया करती है। शिष्यों में, कलत्र में, कन्या में, देवताओं में, बांधवों में, पुत्र पौत्रों में, वचन में, प्रताप में, यश में, सी में, बुद्धि बारी में और विद्या में मनुष्य के हृदय का ज्ञान किया जाता है। आप तो जीवन मुक्त अर्थात जीवित दशा में ही मुक्त हैं और आप पवित्र तथा गदाधारी के शुद्ध भक्त हैं। आप अपने चरणों की धूलि से सबकी आधार स्वरूपा इस भूमि को पवित्र किया करते हैं। आप स्वयं अपने शरीर का दर्शन देकर उससे सब लोगों को पवित्र किया करते हैं। वो श्री हरि की कथा परम सुमंगलों के स्वरूप वाली है, इसी हेतु से उसे तुम सुनना चाहते हो। जिस स्थान में श्री कृष्ण की कथा होती है वहाँ पर ही समस्त देवता, ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ विराजमान रहा करते हैं। कथा का श्रवण कर अंत में वे निरापद होते हुए जाया करते हैं। जिनमें शुभ श्री कृष्ण की कथा रहती है वे तीर्थ रूप ही होते हैं। जिसकी कृष्ण की कथा में रति हो और उसका श्रवण कर पुलकों का रोमो उद्गमो हो जाता है तथा उसी में उनका मन निमग्न होता है, उसी को बुद्धगण के द्वारा भक्त कहा जाता है। जो अपने पुत्र और स्त्री आदि सभी परिजनों को हरि की ही भांति जानता है और आत्म मन तथा वाणी से ऐसा समझता है, वही बुद्धजनों के द्वारा हरि का सच्चा भक्त कहा जाता है। जिसके हृदय में समस्त जीवों के प्रति दया का भाव होता है और जो इस संपूर्ण जगतीतल को कृष्णमय देखता है वो महाज्ञानी वैष्णवों में परम श्रेष्ठ भक्त होता है। किसी एकांत निर्जन स्थान में अथवा किसी तीर्थ स्थान में आसक्ति से रहित होकर परमानंद से युक्त होते हुए श्री हरि के चरण कमल का ध्यान किया करते हैं, वही सच्चे वैष्णव होते हैं। जो निरंतर भगवान के नाम का गान किया करते हैं तथा श्री हरि के गुण और मंत्रों का जप करते हैं, उनके पवित्र एवं शुभ गाथा का श्रवण करते हैं या उसे अपने मुख से कहते हैं, वही वस्तुतः वैष्णव होते हैं। जो मिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर प्रसन्नता से हरि के लिए उन्हें समर्पित करने को जिनका शीघ्र ही मन इष्ट होता है वो ऐसा भक्त ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ माना जाता है। जिसका मन स्वप्नों में श्री हरि के चरण कमल में संलग्न रहा करता है और रात दिन जिन्हें ज्ञान रहता है तथा अपने पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों के उपभोग को बाहिर भोगा करते हैं वही परम वैष्णव होते हैं। श्री सुदामा राधा कला। नारायण ने कहा, जिसके द्वारा पार्थित होकर श्री कृष्ण इस अध्याय में श्री दामा और राधा के कला का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, जिसके द्वारा पार्थित होकर श्री कृष्ण इस महीतल में आए थे और इस भूतल में जो जो करके वो विभु पुनः अपने धाम को चले गए थे, भूमि के भार के हटाने का उपाय तथा दुष्टों के वध करने का उद्यम जो भी कुछ उन्होंने यहाँ किया था वो संपूर्ण विचार कर विधिपूर्वक तुमको बताऊँगा। इस समय हरि के गोप का वेश और हरि का गोकुल में आगमन तथा जिस कारण से राधा गोपालिका हुई थी वो संपूर्ण तुमसे कहता हूँ, उसे आप भली भांति समझ लो। शंखचूड़ के वध में मैंने पहले संक्षेप में कह दिया था जिसको आपने सुन लिया है, अब मैं उसे सुविस्तृत रूप से कहता हूँ, उसे समझ लो। सिद्धामा का कलह राधा के साथ हुआ था, वही सिद्धामा फिर श्री राधा के शाप से शंखचूड़ हुआ था। राधा ने सिद्धामा को शाप दे दिया था कि तू मानव की योनि में जाकर जन्म ग्रहण कर ले। सिद्धामा ने भी राधा को शाप दे दिया था कि तुम ब्रज में ब्रजांगना होकर भूतल में विचरण करो। सिद्धामा के शाप से भयभीत होकर राधा श्री कृष्ण से बोली, मैं गोपी के स्वरूप होंगी, ऐसा सिद्धामा ने मुझको शाप दे दिया है। हे भक्तों के भंजन करने वाले, मुझे आप कृपा कर बताइए अब मैं क्या उपाय करूँगी। हे नाथ, आपके बिना मैं
अपना जीवन कैसे धारण करूंगी, आपके बिना तो एक क्षण मात्र का समय भी मुझे 100 युग के समान व्यतीत होता है। चक्षु के निमेश मात्र के आपके विरह से मेरा मन दग्ध हो जाया करता है। हे शरतकाल के पूर्ण चंद्र की आभा के तुल्य आभा वाले, सुधा से परिपूर्ण आपके मुख के दर्शन के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। आपके मुख चंद्र का मैं अपने नेत्र रूपी चकोरों के द्वारा अहनिश पान किया करती हूँ। हे नाथ, मेरे आप ही आत्मा मन और प्राण हैं, मैं तो केवल देह वाली ही हूँ। हे नाथ, हे विभु, आपके हास्य के अभाव में मैं एक क्षण भी नहीं जीवित रहती हूँ। कृष्ण ने श्री राधा के इस वचन को सुनकर उसको समझाया था। उस समय उस अपनी प्रेषी राधा को अपने वक्ष स्थल में लगाकर उसको पहले भय रहित किया था और फिर कृष्ण ने कहा, हे बराने, बरा में मैं महितल में जाऊंगा। हे देवी, मेरे ही साथ बरा कल्प में आपका भी भूतल में गमन और जन्म निरूपित किया है। ब्रज में जाकर वहाँ ब्रज के कानन कुज में विहार करूँगा। इसी हेतु से जगतनाथ नंद के गोकुल में गए थे। उन भय के भी अंत करने वाले को क्या भय हो सकता है और किससे हो सकता है। माया के भय का छल दिखाकर ही वे राधिका के समीप में चले गए थे और वहाँ उनने गोप का वेश धारण कर राधा के साथ ब्रज में स्वच्छंदता से विहार किया था। ब्रह्मा के द्वारा पार्थित कृष्ण ने भूतल में आकर प्रतिज्ञा के पालन करने के लिए गोपांगनाओं के साथ भी विहार किया था। भारावतरण करके विभु स्वधाम को चले गए थे। इस अध्याय में नारियों के रक्षक का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा, श्री कृष्ण से किसने प्रार्थना की थी, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, किस हेतु से जगन्नाथ भूतल में आए थे ये बताइए। नारायण ने कहा, पहले बराकल्प में ये भूतल दुष्टों के द्वारा किए गए पापाचारों के भार से एकदम आक्रांत हो गई थी। ये अत्यंत शोक से उत्पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के शरण में गई थी। उस पृथ्वी के साथ असुरों के द्वारा अत्यंत संतप्त एवं उद्विग्न मन वाले देव भी थे। उन सबके साथ वो ब्रह्मा की उस दुर्गम सभा में पहुंची थी। वहां पर ब्रह्म तेज से ज्वलंत स्वरूप वाले देवों के ईश को उस सभा में संस्थित उसने देखा था, जो वहाँ अनेक ऋषिन्द्र मुनिन्द्र और सिद्धेन्द्र के द्वारा आनंद के साथ वंदित एवं सवित विराजमान थे। वहाँ पर अप्सराओं का नृत्य हो रहा था और गंधर्वों के द्वारा संगीत हो रहा था। ब्रह्मा नृत्य और मनोरम संगीत को सानंद देख व सुनते हुए मंद स्मित कर रहे थे। ब्रह्मा जी कृष्ण इन दो अक्षरों का जप कर रहे थे, जो कि साक्षात परम ब्रह्म का शुभ नाम है, और भक्ति के भावावेश से आनंद के अश्रु उनके नेत्रों से झलक रहे थे तथा आनंदातिरेक के कारण उनका शरीर पुलकित हो रहा था। ऐसे ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त कर भूमि ने देवों के साथ चतुरानंद को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया था और हे मुने, दैत्यों के द्वारा जो महान भार से उसे उत्पीड़न हो रहा था वो सब उनसे उसने निवेदन किया था। उस समय वो भूमि अपना दुख निवेदन करती हुई आँखों में आंसू भर लाई थी। उसका शरीर रोमांचित हो गया, ब्रह्मा जी का स्तवन कर रो पड़ी थी। उस भूमि से ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, तू क्यों मेरी स्तुति कर रही है और क्यों रुदन करती है। हे भद्रे, यहाँ तेरा आगमन कैसे हुआ ये बताओ, तेरा कल्याण होगा। हे कल्याणी, सुस्थिर हो जाओ, मेरे विद्यमान होते हुए तुझे क्यों इतना भय हो रहा है। ब्रह्मा ने इस तरह पृथ्वी का आश्वासन करके फिर देवताओं से आदर के साथ पूछा था, हे देवगण, मेरी सन्निधि में आपका आगमन किस कारण से इस समय हुआ है। ब्रह्मा जी ने के इन वचनों को सुनकर देवों ने प्रजापति से कहा, है प्रभु, ये पृथ्वी तो भार से दबी हुई है और दम दैत्यों से ग्रस्त हो रहे हैं। हे ब्राह्मण, आप ही सृजन करने वाले हैं, आप हमारे दुखों की शीघ्र ही निष्कृति करने की कृपा करें। आप ही इस बेचारी भूमि के उद्धारक हैं प्रभु, अब आप निवृत्ति करने के योग्य होते हैं। हे पितामह, जिस भार के कारण ये पृथ्वी उत्पीड़ित हो रही है, हम लोग भी उसी से दुखा तो हो रहे हैं, अतएव इसके भार का हरण आप करने की कृपा करें। देवों के इस वचन का श्रवण कर जगत के विधाता ने उस पृथ्वी से कहा, हे वत्स, भय को दूर हटाकर तुम मेरे पास सुखपूर्वक रह जा।
ब्रह्मा ने कहा, हे पद्म के तुल्य नेत्र वाली, तू किनका भार सहन करने में असक्त हो रही है? मैं उस भार को दूर कर दूंगा, भद्रे तेरा निश्चय ही कल्याण होगा। उस पृथ्वी ने उस ब्रह्मा के वचन को सुनकर फिर अपनी जो पीड़ा थी वो सब उसको सुना दी थी कि वो प्रसन्न मुख और नेत्र वाली पृथ्वी जिस जिस के द्वारा सताई जा रही थी, पृथ्वी ने कहा, हे तात, आप सुनिए, मैं अब अपनी हार्दिक व्यथा आपको बताती हूँ। मैं विश्वासयुक्त किसी बंधु के बिना कुछ भी कहने का साहस नहीं कर रही हूँ। स्त्री जाति अबला हुआ करती है, यह सर्वथा अपने बंधुओं के द्वारा ही निरंतर रक्षा करने के योग्य हुआ करती है। जो अपने पिता और स्वामी के पुत्र के द्वारा गर्हित होती है, वो अन्य के द्वारा तो निश्चित रूप से ही गर्हित हो जाया करती है। हे तात, आपने ही मेरा सृजन किया है, अतः आप मेरे जनक हैं। आपसे कहने में मुझे कुछ भी लज्जा नहीं है। जिनके भार से मैं पीड़ित हो रही हूँ, उसे आप श्रवण कीजिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जो जो कृष्ण की भक्ति से विहीन हैं और उनके भक्तों की निंदा करने वाले हैं, उन महापातकियों के बोझ को मैं बहन करने में असमर्थ हो रही हूँ। जो अपने धर्म के आचारों से रहित हैं और नित्य कृत्य के नहीं करने वाले हैं तथा श्रद्धा से हीन हैं और वेद के नहीं मानने वाले हैं, उन दुष्टों के भार से मैं अत्यंत सताई हुई हूँ। इस प्रकार से पृथ्वी ने कहकर वो बार बार रुदन करने लगी थी। कृपा के निधि ब्रह्मा जी ने उसका रुदन देखकर उससे कहा था कि मैं दस्युओं के द्वारा होने वाला तेरा भार उपाय से दूर कर दूंगा। हे वसुंधरे, सभी कार्य अवश्य सिद्ध ही होते हैं। मेरे प्रभु समय आने पर तेरे संपूर्ण भार का अपनयन कर देंगे। ब्रह्मा जी ने इस तरह से पृथ्वी का समाशासन कर दिया था और फिर उस भूमि और देवों के साथ वे जगतों के धाता शंकर के निवास स्थान कैलाश गए थे। ब्रह्मा ने वहाँ रम्य आश्रम में पहुँचकर शिव का दर्शन किया था, जो कि नदी के तट पर अक्षय वट के मूल में संस्थित थे। भगवान शिव भोलेनाथ वैग्र के चर्म का परिधान किए हुए थे और दक्ष कन्या सती के अस्थियों का भूषण धारण कर रखा था। त्रिशूल और पट्टीस नाम वाले आयुध धारण किए हुए थे। आपके 5 मुख थे और 3 नेत्र से समन्वित आपका बपू था। इस प्रकार की शोभा से संपन्न शिव के सामने इसी बीच में ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवी के साथ वहाँ खड़े हुए थे। उस समय समस्त देवता नीचे की ओर अपना सिर झुका रहे थे। जब शंकर ने जगत के गुरु ब्रह्मा जी को देखा तो वे भक्तिपूर्वक शीघ्र खड़े हो गए थे और उनको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया तथा उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया था। शिव जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने शिव जी को आशीर्वाद दिया, फिर सभी देवों ने शंकर को प्रणाम किया था और पृथ्वी ने भक्तिभाव से शंकर को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त किया था। प्रजापति ने पार्वती के स्वामी से सब वृत्तांत कह सुनाया था। ये सुनकर भक्तों पर प्रेम करने वाले शिव शीघ्र ही नतमस्तक हो गए थे, अर्थात उन्होंने अपना मस्तक नीचे को झुका लिया था। पार्वती और परमेश्वर दोनों ने भक्तों के इस विघ्न को सुनकर वे दोनों ही स्वयं बड़े दुखित हो गए थे और विधाता ने उन दोनों को समझाया था। इसके अनंतर ब्रह्मा और शंकर दोनों ने देवों के समुदाय को तथा वसुंधरा को समाशासन देकर उनके गृह को प्रयत्नपूर्वक भेज दिया था। इसके पश्चात देव और ईश्वर दोनों शीघ्र धर्म मंदिर में आकर उसके साथ विचार करके फिर हरि के भवन में गए थे। ब्रह्मा ने कहा, मैं सबके ईश्वर कमला के प्रति अच्युत एवं परम शांत स्वरूप बालों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिसके कला के भेद हम हैं और कला की भी अंश कला से ये समस्त देवता हुए हैं। संपूर्ण मनुगण, मुनिन्द्र वर्ग, मनुष्य के समुदाय सभी है निरंजन, आपसे ही कला के क्लांश की कला से ही समुत्पन्न हुए हैं। शंकर ने कहा, आप अक्षय अक्षर अव्यक्त तथा राम ईश्वर हैं। आप अनादि आदि आनंद के रूप वाले और सबके स्वरूप वाले हैं। आप अनिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सभी के कारण रूप हैं, यानी अनिमा लघिमा, ये जो अष्ट सिद्धि है जो हनुमान जी में थी वही ब्रह्मा जी के कारण है। ब्रह्मा जी ने सबको सिखाया था। इसका मतलब आप सिद्धियों के ज्ञाता, सिद्धियों के प्रदान करने वाले तथा सिद्धि के ही रूप वाले हैं। ऐसे आपका स्तवन करने में कौन समर्थ है, अर्थात किसी की शक्ति नहीं है जो आपकी स्तुति कर सके। धर्म ने कहा, वेद में जिसका ठीक निरूपण
नहीं किया गया है वो वस्तु विलक्षण पुरुषों के द्वारा वर्णन करने के योग्य होती है। भगवान वामन अवतार इसी सिद्धियों से अपना आकार को बड़ा किया था, ठीक है, लेकिन वो पृथ्वी ग्रह से बाहर पैर नहीं निकाला था। ये एक मिसकंसेप्शन है, आप मेरे वाल्मीकि रामायण की वीडियोस में देख सकते हैं। किंतु जो वेद में भी अनिर्वचनीय है उसे निर्वचन करने कौन की किसकी क्षमता है, अर्थात किसी की भी नहीं है। जिसका जो संभावना करने के योग्य जो गुण और रूप हैं उससे अतिरिक्त निरंजन तथा निर्गुण का मैं क्या स्थापन करूँ। मैं हे महामुनि ब्रह्मा आदि का उक्त ये 6 श्लोकों का श्रोत्र है, इसका पाठ करके मनुष्य दुख से मुक्त हो जाता है और अपना अभिष्ट प्राप्त किया करता है। इस प्रकार से देवों का स्तवन सुनकर हरि ने स्वयं उनसे कहा था कि आप सब गोलोक धाम में जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी को साथ लेकर वहां आता हूं। वे दोनों नर और नारायण श्वेत द्वीप के निवास करने वाले हैं, ये गोलोक को जाएंगे तथा देवी सरस्वती भी जाएगी। अनंत मेरी माया स्वामी कार्तिकेय गणों के स्वामी गणेश वो वेदों की माता सावित्री ये सभी पीछे से वहाँ जाएंगे और निश्चय रूप में पहुँचेंगे। वहाँ पर 6 भुजा वाला कृष्ण गोपियों और राधा के साथ और कमला के युक्त होकर सुनंद आदि से अवभूत होकर पहुँचूँगा। नारायण और मैं कृष्ण जो श्वेत द्वीपों में निवास करने वाला है ये सब मेरे ही ब्रह्मा आदि देवगण तथा अन्य कला के रूप हैं। सुर असुर और नर आदि सब कला के क्लांश को कला स्वरूप हैं। यानी नारायण और मैं हम दोनों जाएंगे, यानी कृष्ण नारायण के रूप हैं ये बताया जा रहा है। आप सब गोलोक में चलिए, कार्य की सिद्धि हो जाएगी। हम पीछे से जाएंगे जिससे सबके अभिष्ट की सिद्धि हो जाएगी। सभा के मध्य में इतना ही कहकर हरि ने स्वयं विराम ग्रहण कर लिया था। इस अध्याय में ब्रह्मादि के द्वारा यानी नारायण और कृष्ण अलग हैं, वहाँ पे कहा गया है कि नारायण और मैं दोनों जाएंगे, यानी नारायण और कृष्ण, कृष्ण ऐसा कह रहे हैं कि नारायण और मैं, समझ रहे हैं। इस अध्याय में ब्रह्मादि के द्वारा किया हुआ लक्ष्मी नारायण के सूत्र का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान आपके चरण रूपी सरोज में मेरा मन रूपी भौंरा प्रेम और भक्ति से निरंतर भ्रमण करता रहे। हे ईश शांति की औसत के द्वारा भवन जन्म मरण के रूप से रक्षा करो और परम सुदृढ़ एवं पादार बिंद में परिपक्व अपनी भक्ति तथा दास्य प्रदान करो। श्री शंकर ने कहा है भगवान ये मेरा मन रूपी मीन इस संसार रूपी सागर में निमग्न हो रहा है और निरंतर ही इस घोर संसार के कुएं में चक्कर खाया करता है। अत्यंत बुरा जो सृष्टि एवं सहार रूपी विषय है उसको हटा दो और अपने चरण रूपी कमल की भक्ति प्रदान करो। धर्म ने कहा है भगवान आपके जो अपने परम सेवक भक्त हैं उनके ही साथ सदा ही मेरा संगम होवे, जो कि विषयों के छेदन करने में तीक्ष्ण खड़क के समान है। ये आपके भक्तजन का साथ आपके चरण कमल के स्थान को देने का मुख्य कारण है। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रत्येक जन्म में अपने पादारविंद में भक्ति भाव होने का दान मुझे प्रदान करें। नारायण ने कहा परिपूर्ण एक मन वाले उनने इस प्रकार से भगवान की स्तुति करके वे सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले राधिका के पति के आगे स्थिर हो गए थे। देवों का स्तवन श्रवण करके कृपा के निधि स्मित युक्त मुख कमल वाले श्री हरि परम हित और तथ्य वचन उनसे कहने लगे थे। श्री भगवान ने कहा आप सब लोगों का इस समय जो मेरे इस पूर्व में समागमन हुआ है उसका मैं बार बार स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग मंगल के आश्रय वाले हैं, अतएव आपसे कुशल प्रश्न करना तो युक्त नहीं प्रतीत होता है। आप लोग वहाँ पर ही चिंता से रहित होकर स्थित रहें। मेरे विद्यमान होते हुए आपको कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं तो समस्त जीवों में स्थित रहता हूँ, स्तवन होने से ही वहाँ पर ही प्रत्यक्ष हो जाया करता हूँ। आप लोगों का जो भी हार्दिक अभिप्राय है उस सब को निश्चित रूप से मैं जानता हूँ। शुभ और अशुभ जो भी कर्म होता है वो काल आने पर निश्चय हुआ करेगा। हे देवगण कर्म चाहे बड़ा हो या शुद्र हो
वो सभी कर्म काल के तो हुआ करता है, अपने अपने समय पर ही वृक्ष पुष्प तथा फल बाल हुआ करते हैं। समय पर ही वे अपरिपक्व फल से युक्त तथा परिपक्व फलों से समन्वित होते हैं। इसी तरह सुख दुख संपत्ति विपत्ति शोक चिंता शुभ और अशुभ अपने कर्म के फल में ही रहने वाले होते हैं और सब काल के आने पर उपस्थित हुआ करते हैं। इस त्रिभुवन में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना कोई किसी का विप्रिय होता है। काल काल पर सभी कार्य वश होने के कारण से प्रिय और अप्रिय हुआ करते हैं। आप लोगों ने देखा है कि राजा लोग और मनुगण पृथ्वी में अपने कर्मों के फलों के पाक से हुआ करते हैं, क्योंकि सभी तो काल के वशंगत रहा करते हैं। आप लोग इस गोलोक धाम में इस समय ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि एक ही क्षण व्यतीत हुआ है, किंतु पृथ्वी में इसी यहाँ के क्षण मात्र के काल में 7 मन्वंतर व्यतीत हो गए। इतने समय में ही 7 इंद्र हो गए हैं और इस समय में वहाँ ये 8वां देवेंद्र वहाँ पर स्थित है। इस तरह से ये मेरा काल चक्र रात दिन भ्रमण करता रहता है। इंद्र मनु और राजा लोग सभी काल के वश में रहने वाले होते हैं, मतलब जो जगह है वहाँ टाइम अलग है और पृथ्वी का टाइम अलग है। हमने विष्णु पुराण में भी पढ़ा था कि सत्युग में ब्रह्मा के पास गए थे, ब्रह्मा का भी वहाँ का दिन अलग है। केवल उनकी कीर्ति पृथ्वी पाप पुण्य और कहानी मात्र ही शेष रह जाया करती है। इस समय में भी राजा लोग बड़े दुष्ट और हरि की निंदा करने वाले हैं और महान बल और पराक्रम वाले भूमि में हुए थे। ये सभी समय आने पर कालांतक के ग्रास हो जाएंगे, अर्थात काल के मुँह में जाकर नष्ट हो जाएंगे। ये काल भी उपस्थित है और वायु निरंतर बहन करता है, अग्नि बहन करता है और सूर्य मेरी आज्ञा से तपता रहता है। व्याधियाँ शरीर में विचरण क्रिया करती है और जंतुओं में मृत्यु घूमता रहता है। ये जलधर वर्षा किया करता है। ये सभी मेरी आज्ञा से देवगण भी अपना काम किया करते हैं। ये जो विपु है जिनकी निष्ठा परम ब्रह्मण्य होती है और ये तपस्वी लोग तपस्या में अपनी पूर्ण निष्ठा रखते हैं। ब्रह्मर्षि लोग ब्रह्मनिष्ठ, योगी लोग योग में निष्ठा रखने वाले रहा करते हैं। ये सभी मेरे भय से भीत होकर ही अपने अपने धर्म तथा कर्म में तत्पर रहा करते हैं। सबका तात्पर्य यही है कि सभी मेरे भय के कारण ही अपने अपने कर्मों में सदा संलग्न रहा करते हैं। अगर कोई निर्भय है तो वे केवल मेरे भक्तगण ही हैं जिन्होंने कर्मों का निर्भूलन कर लिया है। हे देवताओं, मैं काल का भी काल और धाता का भी विधाता हूँ। जो संहार के करने वाले हैं उसका भी संहारक और पालन करने वाले का पालन करने वाला पर से भी पर मैं ही हूँ। मेरे ही आदेश से ये संहार के करने वाले हैं जिनको नाम से हर कहा गया है। आप विश्व का सृजन करने वाले हैं, धर्म की रक्षा करने से सृष्टि के पाता है। ब्रह्मा से लेकर एक शुद्धतम तीन प्रयत्न सबका मैं ही एक ईश्वर हूँ। सबके किए हुए कर्मों के फलों को देने वाला तथा कर्मों के निर्मूलन करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं जिनका संहार करूँगा उनकी रक्षा करने वाला अन्य कौन है, अर्थात कोई भी समर्थ रक्षक नहीं है। जिनका पालन रक्षक मैं करूँगा उनका हनन करने वाला भी कोई नहीं हो सकता। सर्व का सृजन पालन और संहार करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। मैं मेरे नित्य देहधारी भक्तों का संहार करने में मैं ही समर्थ नहीं हूँ। जो लोग मेरे भक्तों से द्वेष करने वाले तथा ब्राह्मण गो ऋतु और देवों को सताते हैं या उनकी निश्चित रूप से हिंसा किया करते हैं तो वे शीघ्र अग्नि में तृण की भांति नष्ट हो जाएंगे। मेरे हनन करने वाले के उपस्थित होने पर फिर उनका कोई भी रक्षा करने वाला नहीं हो सकता है। मैं स्वयं पृथ्वी में जाऊंगा। हे देवगण, आप लोग अपने निवास स्थान को जाओ और आप सब अपने अंश रूप से शीघ्र भूतल में जाओ। इतना कहकर जगत के नाद ने गोपों और गोपिकाओं को बुलाकर उनसे उस समय के उचित सत्य और मधुर वचन कहा। हे गोपो गोपियों, मेरी आज्ञा का श्रवण कर आप लोग परम श्रेष्ठ नंद ब्रज में चले जाओ। हे राधिके, आप भी विश्वभानु के घर में जाकर जन्म ग्रहण करो। विश्वभानु की प्रिया बहुत ही साध्वी है और उनका शुभ नाम गोपी कलावती है। वो शुक्ल की कन्या है और वहाँ कमला के अंश से सुसंपन्न हुई है।
वो पित्त गया की मानसी कन्या है जो स्त्रियों में परम धन्य और मान्य है। पहले दुर्वासा के साप से उनका ब्रज के गृह में जन्म हुआ है। आप शीघ्र नंद ब्रज में जाकर उसमें जन्म ग्रहण करो। हे कमलानने, तुमको मैं बालक रूप से ग्रहण करूँगा। हे राधे, आप मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी हैं और मैं भी आपका प्राणाधिक प्रिय हूँ। हम दोनों में कुछ भी भिन्नता नहीं है, सर्वथा ही हम तुम दोनों एकांग ही हैं, अर्थात एक ही रूप हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।